शाजापुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के ग्रामीण जन सुनवाई पर अब भी ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वहां शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के ग्रामवासी और उन सभी को अब तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल सका, न ही अभी तक किसी भी गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। इस गाँव का जो प्रमुख रास्ता है उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। ग्रामवासियों ने शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार एवं सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सभी जगह होकर आ चुके हैं लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब जैसे थे वैसे अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे, हमारे घरों में अभी बल्ली लगाकर रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या मामला चैनल के अभी ग्रामीण आम जनों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इस संबंध में आवेदन इनका प्राप्त हुआ है। चूँकि प्रधानमंत्री आवास जनपद से संबंधित है और यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन दिया है तो उनको मैं मूलतः कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दूंगा, वहाँ से हमारे पोटी गांव वाले को कोई भी नहीं देते, सरपंच सेक्रेटरी कुछ भी नहीं बात करता है, हमारे सारे घरों गिर गए हैं, इसलिए कारण हम आए मंत्री को न जाए भी मुख्यमंत्री कहीं बोले हमारे कहने नहीं आते सर, सरपंच साहब कहीं जाए सेक्रेटरी का नाम ले, सेक्रेटरी का नाम ला तो सरपंच साहब को नाम ले, यहाँ भी आगा साजापुर भी आगा काला पीपल भी चल गए, सब गाँव में चल गए और पूरी हमारी कीचड़ कीचड़ बज रहा है, 50-60 घर है, घर में पूर भरा जाए 50-60 घर है। हम पिकअप पे थोड़ा थोड़ा पैसा करके पिकअप करके लाए, हम भोजन गए के भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे, मेहनत मत दे यही समझते सर, नहीं सुनते मंत्री जी भी नहीं सुनते, नहीं सुनते बड़े बड़े लोग की सुनते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी तो गरीब लोग की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा, वोट लेना आएगा हमारे तो वोट का लिया तो इतना बड़ा बच्चा को भी ना मिल जाए वोट, हमारे घर की दीवार गिर गई और टेके लगे हैं हमारे घर में, सुनवाई कोई नहीं करते है, सुनवाई नहीं करे, तहसील में जाए तो पंचायत का से कहता है तहसील में चल जाओ और सरपंच करने जाओ तो सेक्रेटरी को बताएगा, यहाँ भी आ चुके हैं हम साजापुर जिले में भी और पंचायत में भी चले गया है, तहसील में भी चल गया, हमारे कोई सुनवाई नहीं करते, और यहाँ से वहाँ भटकते हैं, वहाँ से वहाँ भटकते हैं, वहाँ से जान वहाँ से वापस वापस आते हैं हम, और गिरे हुए इंसान उनके जो कि झोपड़ी बन गई और हमारी नहीं बनी, बिल भिलाना का घर छत का हो गए है, पन्नी वाले का घर छत के हो गए है, एक ऐसी समस्या है कि हमारे ओचा नहर के जो गृह क्षेत्र यानी उनके गांव में मंत्री जी का गांव है, शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार साहब का गांव है, उस गांव की एक ऐसी घटना है जहां शिक्षा मंत्री होते हुए भी आज वहां के दलित आदिवासी परिवारों को अपने घर में बारिश के कारण खटिया पर सोने पर मजबूर हैं, उनके घर के में पानी घुस जाता है, कीचड़ है रहता है और उनके मकान आज 10 साल से वो परेशान है, उनके घर टपकते हैं और उनके कच्चे मकान हैं, गारे मिट्टी से बने हुए मकान हैं, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, इसको लेकर हम आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं और आवेदन दिया है, ये सारे लोग बहुत पीड़ित और परेशान हैं, आज 4 साल पहले भी इनने आवेदन दिया था, उस आवेदन में अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जैसे कि जो लोग जिसके पास में डबल मंजिल मकान है उसका मकान बना दिया जाता है, जिसके पास में 500 बीघा ज़मीन है उसको मकान बना दिया जाता है, आवास योजना का लाभ दिया जाता है, जिन लोगों को गरीब परिवार से जो आते हैं जो बीपीएल एपीएल की योजना के तहत उनको राशन या उनको जो सुविधाएं शासन की मिलना चाहिए वो नहीं मिली है, हम शासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनको आवास योजना का लाभ दिया जाए और इनके सारे लोगों के पक्के मकान बनाए जाए, यही हमारी मांग है। शाजापुर से दिलीप स्वराज की रिपोर्ट।